कौन हो तुम और कहां से आए हो? मैं इसी धरती से हूं। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, तुमने हजारों प्रकाश वर्षों की दूरी तय की है हम तक पहुंचने के लिए। ये सच है। हमें सच ना बताने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैं इसी धरती से हूं, पर एक दूसरे समय से, भविष्य से समय में यात्रा वैसा ही है जैसे अंतरिक्ष में यात्रा। अंतरिक्ष एक विचलित क्षेत्र है। तुम कहना चाह रहे हो कि भविष्य में परग्रहियों ने धरती पर कब्जा कर लिया है? नहीं। तो क्या तुम एक इंसान हो? मैं तुम इंसानों का ही एक वंशज हूँ। तो तुम दूसरे ग्रह से नहीं हमारे वंशज हो, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इंसानों को समझ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे अस्तित्व के सारे सबूत मिटा दिए गए थे। कैसे? एक बहुत बड़े परमाणु युद्ध से, जिसमें बहुत कम लोग बच पाए थे जो हमारे पूर्वज थे। तो क्या भविष्य में कोई परमाणु युद्ध होने वाला है? हमें खुल के बताओ, अपने समय के बारे में बताओ। तुम मेरे समय की खोजों और आविष्कारों को समझने के लायक नहीं हो। हमें हर हाल में जानना है ये ब्रह्मांड कैसे बना और इस ब्रह्मांड में जीवन क्या है, इसकी समझ हमको है। यानी तुम्हें इस जीवन का मतलब पता है? मतलब नहीं, उसकी सच्चाई। मतलब वो जो तुम्हें बताया जाता है, लेकिन उसकी सच्चाई वो नहीं है जो तुम्हें दिखती है। तो तुम्हें पता है इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? यानी तुमने भगवान को देखा है? हमारा विकास ऐसे अंधविश्वासों से कहीं ऊपर हुआ है, और हमें भगवान या दूसरे मिथकों की जरूरत नहीं पड़ी। क्या होता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है? इंसान समझ नहीं सकता, उसे मौत मानता है, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं। चेतना इस ब्रह्मांड का मूलभूत गुण है। ये सभी चीजों में किसी ना किसी रूप में मौजूद है। तुम, मैं और हम सब इसी एक संपूर्ण चेतना को आपस में बांटते हैं और मौत हमें अलग करती है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम सबकी चेतना एक है और मृत्यु कुछ भी नहीं? लेकिन ये ब्रह्मांड कैसे बना और ये हमारे लिए इतना परफेक्ट कैसे है? ऐसा क्यों लगता है कि इसे हमारे ही लिए बनाया गया है? ऐसे अनंत ब्रह्मांड मौजूद है, सबके खुद के भौतिक गुण है। ये सभी ब्रह्मांड जीवन का समर्थन नहीं करते, और हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो इस जीवन का समर्थन करता है। तो हमने अपने पूरी प्रजाति का विध्वंस क्यों और कैसे किया? इसकी वजह है डॉग्मा। डॉग्मा से क्या मतलब है तुम्हारा? तथाकथित धर्म और राजनीति से जुड़ी हुई कट्टरपंथी विचारधाराओं ने ही हमारी पूरी प्रजाति को तबाह किया। अगली सदी की शुरुआत में सामूहिक विनाश के हथियार कट्टरपंथियों द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे तुम्हारी प्रजाति का विनाश हो जाएगा।